आंटी आपकी लड़की पता है क्या कर रही है? आपको पता भी है आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो? आपकी लड़की क्या क्या गुल गुला रही है यहाँ पे पार्क में, क्या क्या आशिकी कर रही है? तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बोल रहा हूँ आपको। तो आपके भलाई, अगर ये बात झूठी हुई ना यार, मैं झूठ बोलने के लिए आपको बुलाऊंगा? आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर ये बात झूठी हुई ना तो कैमरा मैन बना दूंगी तेरे को मैं। एक यार आप मान नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनो मेरी बात। वो देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो वो आपकी लड़की नहीं है, वो जो काली ड्रेस में बैठी हुई है, वो देख रहे हो आपको? सुनो सुनो सुनो, अभी मत जाओ, देखो सुनो आंटी, सुनो मेरी बात, सुनो ऐसे मत जाओ, ये माइक लगा लो, सुनो पकड़ो ये माइक, माइक लगा लो फिर जाना आप, मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ आपकी, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा ना वीडियो बना रहे हैं। अब जाओ जाओ जाओ, अगर मेरी लड़की ना हुई। अरे आपकी लड़की है जब मैं कह रहा हूँ, आप मान नहीं रहे मेरी बात, कह रहा हूँ आपकी लड़की है। क्या कर रही है? खड़ी हो, इधर खड़ी हो, इधर सुनो, चल। अरे बात सुनो ना, क्या कर रही है तू यहाँ? मेरी बात, गुस्सा मत करो, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तो मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। मैं कौन है? ये डीएल है, हम काम के प्रेजेंटेशन से आए थे, ये मेरे ऑफिस में, ये तेरा बॉस है जी? मैं, अरे मैं बता तो रहा हूँ, तमीज से खड़ा हो। तो आप सबसे तमीज से बात कर रही हूँ, तमीज से बात कर रही हूँ। पूछो, चलो पूछो, आपके लिए कौन है ये? पूछ रहे हो, ये मेरे टीएल है। अच्छा, हम काम के प्रेजेंटेशन से यहाँ आए थे। अच्छा, तो बेबी घबरा, बाबू घबरा किस ले रहे हो? क्या बाबू, बाबू तमीज से रहे, तो मैं बता तो रहा हूँ, तमीज से रहे, मेरी बात सुनो। कोई और जगह नहीं मिली तेरे को? गुस्सा किस ले, सुनसान में, सुनसान जगह लगाया मेरी लड़की, चाहे मैं उसे मारू चाहे कुछ भी करूँ, तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत, तेरी बॉस है ना उसी तरह रहा, तमीज से रहे, जब अभी अंदर कर दूँ ना जिंदगी भर छूट नहीं पाएगा तू, समझे? काम से आए थे, प्रोजेक्ट की बात कर, तेरे प्रोजेक्ट दिखा दूँ। यहाँ क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? अरे बात तो सुनो मेरी, हाथ मत लगा दी अब, हाथ चप्पल उठा के मुंह पे मारूंगी, हाथ लो गले लगाऊं क्या आपको? चुप, तमीज से बात कर, तमीज से, मैं अपनी लड़की से बात कर रही हूँ, मैं अपनी लड़की से बात कर रही हूँ ना, हाथ नहीं उठाता, मैं लड़की से बात कर रही हूँ ना, मैं अपनी लड़की से बात कर रही हूँ, प्यार से करो ना बात। क्यों, मैं कैसे भी करूँ, तेरे को मतलब, तेरी लड़की है ये, तेरे को क्या मतलब है? मैं सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, जरूरत क्या, जरूरत पूरी करता है ऑफिस में, मेरे काम करती है, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ मैं। क्यों करता है इसकी ख्वाहिश पूरी? क्यों करता हूँ, पूछो अपनी लड़की क्यों करता है, प्यार करता हूँ मैं, क्यों प्यार करता है? शर्म नहीं आती इतना बूढ़ा होके? और जो घर में रखी हुई है तूने, वो कौन तो है घर में, कि उसको पैसे नहीं देता, जरूरतें पूरी नहीं करता, जरूरत है तेरी तो ये पूरी करता है, ये तेरी जरूरत। हाथ मत लगाओ, चुप रह जाओ, चुप भी करो, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाइयो, अब कहते यहीं पे खत्म कर दूंगी तेरे को, हट इधर, मैं अपनी लड़की को चाहे मारूं चाहे कुछ भी करूं, तेरे को मतलब, तेरी जरूरत पूरी करता है ये, तेरे को क्या नाम देंगे, तेरे को क्या नाम देंगे, हट, तेरे को क्या नाम देंगे, तेरी जरूरत पूरी करता है, ऐसी औरत को पता क्या बोलते हैं? मैं डरो, मैं बात कर लूंगा, डरो मत, मैं बात कर लूंगा, हट तू, मैं छोड़, चल हट, चल तू घर चल, तेरे को बताऊंगी, तेरे को घर में बताऊंगी, जाएगी घर मेरे साथ, जाएगी चल हट, ये घर नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी। अब हाथ मत लगाइयो मेरे को, मैं हाथ मत लगाऊंगा, हाथ मत लगाइयो, अपनी मर्जी से राजी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं इसकी माँ हूँ, मुंह बंद रख, मैंने कहा मुंह बंद, आप माँ हो तो मैं भी तो सब, मैं भी तो कुछ हूं ना, इससे बाकी बात बाद में करेंगे, चल बाकी बात बाद में अभी होगी, सारी बात अभी होगी, जब आप अपने हक से ले जा रहे हो ना, तो यहीं पे सारी बात। तेरा हक क्या हक है, तेरा हक क्या है, क्या बकवास कर रहा है, मेरा हक क्या हक है, मेरी लड़की है ये, मैं कुछ भी करूं, तू एक तरफ हो, तू एक तरफ हो, तेरा एक तरफ हो, लड़की को जान से मारोगे क्या, लड़की को जान से मारोगे क्या, बार बार क्या कह रहा मुझे, हाथ मत लगाइयो, अब छोड़ दो, हाथ बिल्कुल मत लगाइयो, आराम से बात कर रही हूं ना, देखो मैं बता रहा हूं अपनी मम्मी को प्यार से समझाओ, यहां पर प्यार से, हां आराम से बता दो, सकती है गुस्से में कोई बात नहीं, मुंह बंद कर, ओए तू क्या दूर रखियो, हाथ दूर रख, क्या बात कर, मम्मी मैं प्यार करती, क्या बात कर, मम्मी मैं प्यार करती, उसने कहा, उसने कहा तेरी जरूरत है पूरी करता है, अरे प्यार करता है, अरे तेरी जरूरत, प्यार करता हूं तो भाई प्यार करने को गुनाह थोड़ी ना है, ना ना ऐसी औरत, अरे जान से मारूंगी लड़की को, आराम से रुको रुको, आंटी सुनो सुनो सुनो, मारो मत, इतना मारो मत, सुनो आंटी मेरी, सुनो मारो मारो मत, मैंने अपने बर्तन साफ कर कर के लोगों के बर्तन साफ किए, समझ रहा हूं, तभी से पढ़ाया लिखाया मैंने, ये संस्कार दिए मैंने इसको, आप ऐसे मत मारो, समझ रहे हो, हाथ दूर रख, मैं कह रहा हूं तेरे से, तो भाई मैं साड़े में मारूंगा तेरे, मैंने कैसे पढ़ाया लिखाया इसको, मैं समझ रहा हूं इस दिन के लिए, और इसको पता है कि ये कमाएगी तो घर चलेगा, तो शादी करके भी तो एक दिन जाती नहीं है, ये हाल कभी ना कभी तो शादी, चुप हो जाए, ओए खत्म कर, चुप हो जा, नहीं मैं मारूंगा तेरे, मैं तो सुलझा रहा हूं भाई, चुप बिल्कुल, इसे कह दे चुप, चुप हो जा, चुप हो जाए, चुप हो जा, सारी आज की ना सारी पुलिस थाने में उतारूंगी तेरी सारी, क्या चल रहा है तुम्हारा, अभी सारी से मैटर है, अब प्यार से समझाऊंगा, घर में जो रखी हुई है किस लिए रखी हुई है, जो घर में रखी है किस लिए रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है,
शर्म नहीं आती आधी उम्र का आदमी प्यार में उम्र उम्र नहीं देखी जाती तो आपकी लड़की भी तो मुझसे प्यार करती है तेरे को मैं बताऊंगी घर जाके तेरे को मैं बताऊंगी भाई समझाओ ना आप ही समझाओ मेरे को समझाओ सुनो आंटी मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो इन्हें मारो मत ऐसे ना बच्चों को अपने ही बच्चे हैं कोई बाहर के तो है नहीं भैया बड़े मैं समझ रहा हूँ आपकी बात आप नहीं समझ रहे मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ पूरी समझ रहा हूँ मैं आपकी बात मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ गरीबी में इसकी परवरिश की है मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ बावजूद भी इसने ये काम किया इसे पता नहीं इसके बाप की कितनी इज्जत है अच्छा वह इसका बाप नहीं था नहीं तो जीते जी मर जाता चुप हो जाओ चुप हो जाओ बिल्कुल चुप हो जाओ मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ सुनो 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 रो मत रो मत ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो दूर रख साढ़े तेरे मारूंगा समझाऊं कैसे तो रोने लग गई मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ बिल्कुल चुप हो जाओ सब बताऊंगी घर जाके मैं क्या बताओगे क्या बताओगे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ जरूरी से काम कर रहे हैं पूरी ये जरूरी काम तो कर रहे हैं बैठ के कर रहा था सुनो सुनो आप रो मत चुप हो जाओ बिल्कुल चुप हो जाओ मेरी बात सुनो रोने से कोई फायदा है आप ये बेटा क्या कर रहे थे यहाँ पे क्या कर रहे थे यहाँ पे अपनी शादी करना चाहती हूँ किससे इससे इसकी शक्ल देखी आपने तो भाई मैं अधेड़ उम्र का तेरी उम्र कितनी है उम्र 40 है भाई तो 40 कितनी है 42 40 42 के क्या अभी कह रहा 40 शर्म नहीं आई मैं आपको घर जाके सब बताऊंगी इतना बड़ा धोखा किया है मैंने धोखा नहीं किया मैं आपको सब बताने वाली थी मम्मी तो मेरे लिए मर गई है मेरे हार गई है मैं नहीं अपने अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोलते आंटी मेरी बात ओ सुनो मेरी बात सुनो नेहा मेरी बात सुनो कौन है तुम्हारा क्या लगता है पहले बताओ ये मेरे टीएल है मेरे ऑफिस में काम टीएल है तुम्हारे जी अच्छा क्या काम करते हैं ये मेरे टीएल है मेरे को गाइड करते हैं मैं इनके ऑफिस में काम करती हूं नहीं तो ये कर क्या रहे थे यहां बैठ के मैं इनसे प्यार करती हूं मैं इनसे शादी करना चाहती हूं बोल क्या बोल रहे हो कुछ समझ आ रही है कुछ क्या बोल रहे हो आप बोलो ना आप क्या बोल रहे हो समझ आ रही है बाबू बोलो ना ऑफिस से काम से आए थे कुछ जरूरी बात ही तो कर रहे थे आप क्या बोल रहे हो आपको समझ आ रही है तो डर किस ले रहे हो समझ आ रही है मैं इनसे प्यार करती हूं बट मैं काम मैं इनसे ही शादी करूंगी नहीं नहीं इनसे शादी क्या शादी करोगे इनसे ये अधेड़ उम्र का आदमी है ये भाई आपको शर्म नहीं आ रही है बाबू बोलो ना इस अधेड़ उम्र के साथ शादी करोगे भाई बहुत पैसा है यार मेरे पास तो कुछ रखूंगा मैं पैसा तेरे पे तो भाई इसको पूरी उम्र कुछ रखूंगा यार तेरे पास भाई इसको रानी बना के रखूंगा मैं पूरी उम्र रानी बना के रखेगा 40 साल के हो रखा है बुड्ढे तू रानी बना के रखेगा तूने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तेरे अंदर मेरा संस्कार है कब बताने वाली थी जब तू माँ बन जाती इसके बच्चे की तब तू मुझे बताती तब बताती तू मुझे नेहा मैंने बोला था घर में बता दो इतना झूठ बोला तूने मेरे से इतना झूठ बोला तूने मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी तुझे पता है कि तेरी माँ मैंने बोला था नेहा घर में बता दे हाथ मत लगा नहीं मारूंगा बहुत जोर का सुनता रही है भाई कैसे बताऊंगा इनको सुनता रही है तू किसी की लड़की को लेके तो ऐसी चीजें कर रहा है तो शर्म तो आनी रही है तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया मैंने तेरे पर इतना विश्वास किया बताने वाली कब बताती मेरे को तो और ये पार्क में मीटिंग होती है ये पार्क कब से चल रहा है ये सब कब से चल रहा है बता अभी कुछ टाइम पहले से मम्मी मैं पहले से बताने वाली कब बताती चल छोड़ तू अब मेरे से बात मत कर तू मेरे से बात मत करो सुनो सुनो आंटी आंटी सुनो मेरी बात शादी कर देती तो कम से कम अपनी जात बिरादरी में करती मम्मी मैं छोटा लड़का देखती आधे उम्र का आदमी है ये उसने ज्यादा मम्मी से रोए नहीं मम्मी से बोलो रोए नहीं रो मत प्लीज मैं आपको सब बताऊंगी घर जाके प्लीज मम्मी यार बेटा क्या बताओगे घर जाके आप ये आप खुद सोच रहे हो आप आपकी उम्र कितनी है कितनी एज है आपकी 21 साल और तेरी कितनी है बे 42 है भाई बताया 21 और 42 कितना होता है आपको पता भी है कैलकुलेशन तो आती होगी ना डबल का डिफरेंस है डबल आती है पर मैं इससे प्यार करती हूं अरे इसमें क्या है साड़ी में प्यार करने वाला कैसी बातें कर रहे हो आप अपनी माँ को नहीं देख रहे हो आपकी माँ बेचारी रो रही है अरे कोई लड़का हो नॉर्मल तो समझे भी बंदा मम्मी प्लीज आप रो मत मैंने इसको बोला मैंने कहा तू झूठ मैंने कहा तेरे को कैमरामैन बना दूंगी अगर ये बात झूठी होगी तो मैंने तूने उसके आगे भी मेरे को झुका दिया मैंने बोला था टाइम निकाल के बोल दो अपनी मम्मी को बता दो सब मम्मी प्लीज मैं आपको सब सच बताऊंगी सारी कहानी बताऊंगी आप रो मत सुनो आंटी आप रो मत मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने क्या बोलूं मैं आपको तुमने सही किया बिल्कुल सही किया नहीं मम्मी मैं सब लोगों से यही पूछती हूँ एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है ये सही है या गलत है मैं सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसे करते हैं तो ये सही है चुप हो जा तू चुप हो जा
मैं सबसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि माँ कैसे करके अपने बच्चों को पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है, लास्ट में बच्चे ये करते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो ये अच्छा है क्या? गलत है ना? मैं यही बोलूंगी, संस्कार है इसके अंदर, ये दिखा दिया इसने, समझ रहा हूँ, बिल्कुल गलत है ये चीज। बहुत अच्छा किया बेटा तूने मेरे साथ, बहुत अच्छा किया। मैं लोगों को बोलती हूँ सबको, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, क्या समझेगा मैं बुड्ढे, क्या समझेगा तू भाई? ये रोए जा रही है तो मैं, मेरे को भी फील हो रहा है, तेरी वजह से तो रो रही है, और किसकी वजह से रो रही है? तो मैं अपनी हरकतों की वजह से ना, प्यार से भी तो बेटर समझ सकता हूँ। आप मेरे साथ चलो, आप रो मत, दिन के लिए अच्छा हुआ तेरा बाप नहीं था यहाँ पे, नहीं वो जीते जी मर जाता, इतनी इज्जत बना रखे तेरे बाप ने समाज में, और आज तेरी वजह से। मैं सबसे यही बोलती हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे पला बढ़ाती है, लिखाती है, लोगों के घर काम कर करके, और बच्चे ऐसे करते हैं अपने माँ बाप के साथ, बहुत गलत बात है, बहुत क्यों करते हैं ऐसे, क्यों करते हैं? क्या समझू बेटा, क्या समझू, क्या रहेगी घर? चलो मेरे साथ, आप अच्छा नहीं लग रहा वैसे, समझ नहीं, मैंने आप चलो मेरे साथ चलो, मम्मी।